नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तो इस कड़ी में दिल्ली की एक लोकसभा सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। मनोज तिवारी लगातार दो बार से वहां से सांसद हैं और उन्होंने शीला दीक्षित जैसे दिग्गज को हराया था और ये बड़ी बात है अपने आप में। और वहाँ पर तीसरी बार जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि 7 सीटों में महज एक ही ऐसे उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर खेला कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो है फायर ब्रांड नेता, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता रह चुके कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया। कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारने के बाद ऐसा लग रहा था कि कन्हैया कुमार एक फायर ब्रांड नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, रोजगार पर बात करते हैं, मोदी अमित शाह को जबरदस्त तरीके का डायरेक्ट टारगेट करते हैं, तो इसका बेनिफिट फायर ब्रांड नेता के तौर पर हो सकती है। पूर्वांचल से आते हैं तो इसका भी फायदा देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि मनोज तिवारी से जबरदस्त तरीके की लड़ाई हो सकती है। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी में आपसी घमासान होने लगा है। आपसी घमासान इन सेंस ऑफ ये है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना तो दी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है इस तरीके की बातें हो रही है कि कन्हैया कुमार को उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्हैया कुमार अगर उम्मीदवार होते हैं तो जो दिल्ली है, दिल्ली में कांग्रेस को भारी झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी है, तो कन्हैया कुमार जब इस सारी चीज़ों को लेकर इंट्रोडक्शन वाला मीटिंग करने गए थे, तो वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे, वहाँ पर बाबरिया मौजूद थे, संदीप दीक्षित मौजूद थे और भी तमाम लोग। तो खबर जो निकल कर आ रही है कि संदीप दीक्षित जो है वो इनको स्टेज पर बैठना था, लेकिन वो पूर्व विधायकों के बीच बैठ गए और उनको बुलाया गया तो नहीं आए। कन्हैया कुमार ने भी बाकायदा बुलाया तो फिर भी नहीं आए और वो उन्होंने विरोध का स्वर निकाल दिया, जिसके बाद कन्हैया कुमार भी भड़क गए और मीटिंग जो है वो कैंसिल करनी पड़ी, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सवाल ये है कि अगर कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया गया है और पार्टी के अंदर ही इस तरीके की खिंचतान चल रही है, तो क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस बार का लोकसभा कौन जीतेगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।